दिल्ली शराब घोटाला मामले में किंग पिन अरविंद केजरीवाल विभागों के बजट में भी बड़ा गोलमाल किया करते थे। किसी विभाग का फंड किसी दूसरे विभाग में डाइवर्ट करने का खेल केजरीवाल ने 9 साल में जमकर किया। अरविंद केजरीवाल की इन कारगुजारियों पर से पर्दा उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने उठा दिया। असल में समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने के करीब एक महीने बाद राजकुमार आनंद LG विनय कुमार सक्सेना से मिले। उन्होंने कहा कि LG से उनकी मुलाकात का मकसद अपने इस्तीफे के स्टेटस के बारे में जानना था, क्योंकि CM जेल में है इसलिए उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए तकनीकी रूप से वे अभी भी मंत्री हैं। राजकुमार आनंद ने LG से मुलाकात करने के दौरान अनुरोध किया कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन किसी दलित महिला को बनाया जाए। ऐसा करने से दलित और वंचित महिलाएं अपनी बातें खुलकर रख सकेंगी। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि SC/ST कल्याण निधि का पूरा पैसा सरकार खर्च ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस विभाग को जितना बजट अलॉट किया जाता है उसका करोड़ों रुपया दूसरे विभागों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में विभाग के हजारों करोड़ रुपए दूसरे विभागों को दिल्ली सरकार ने डाइवर्ट कर दिए। सरकार में दलितों के मुद्दे को हर स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है, इसी वजह से मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने दलित समाज के मसलों का समाधान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग में दलित महिला का होना जरूरी है। अगर दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो समाज की पीड़ित महिलाओं का दर्द ठीक से समझ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पार्टी या किसी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ नहीं जा रहा हूं और ना ही BJP ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आया था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने आगे कहा कि कंसल्टेंट, एक्सपर्ट और फेलोशिप के रूप में हजारों नियुक्तियां की गई, लेकिन एक में भी रिजर्वेशन नियमों के अनुसार इन भर्तियों में ST को 7.5%, SC को 15%, OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। सफाई कर्मचारी रेगुलराइजेशन नियमों का भी दिल्ली सरकार में पालन नहीं किया गया। वहीं NDMC में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि CM से उन्होंने दलितों को बोधगया, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि और चैत्य भूमि तीर्थ यात्रा पर भेजने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर एरिया में दशकों से पानी की किल्लत है और इस समस्या का समाधान करने के लिए CM से अनुरोध किया था, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका एक तरह से हवा हवाई हो गई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ED की तरफ से जारी किए गए समन को अवैध बताने के सिंघवी के सारे तर्क धरे के धरे रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर चुनावों की वजह से अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की अर्जी देते हैं तो वे उस पर सुनवाई कर सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दे ही दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार कर आने के लिए कहा है। हम जमानत देंगे या नहीं इस पर कुछ नहीं कह रहे। अगर जमानत मिलती है तो शर्तें क्या हो सकती हैं, इसको लेकर भी सभी पक्षों को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये मामला लंबा चलेगा तो हम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसी और केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील से कहा कि हम जमानत दे सकते हैं या हम जमानत नहीं दे सकते, इससे किसी भी पक्ष को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे ये न माने कि अदालत जमानत दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ED से संभावित समाधान पेश करने को कहा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो केजरीवाल पर शर्तें लगाई जाएंगी। अदालत ने ED से ये भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मैंने सभी 9 समन का जवाब दिया था। मैंने हमेशा जांच एजेंसी से पूछा कि मेरी भूमिका क्या है, गवाह की है या आरोपी की। केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मेरी गिरफ्तारी तक मेरी भूमिका तय नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो सबूत थे, वही ED ने मेरे खिलाफ भी दिखाए हैं। सिंघवी ने कहा कि मुझे जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया वह सभी 2023 के अंत के हैं, हर सामग्री जुलाई 2023 के ही है। मनीष सिसोदिया के मामले में भी ये सबूत इस्तेमाल किए गए थे जिसमें मनी ट्रेल चार्ट भी वही था। 16 मार्च को आखिरी समन आया जिसमें 21 मार्च को आने को कहा गया था, यानी 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था, तो अचानक उसके बाद क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप गिरफ्तार न हो तब तक आरोपी नहीं हैं। सिंघवी ने कहा कि मैंने उन्हें लिखित में पूछा कि क्या मैं आरोपी हूं, 16 मार्च तक नहीं था, फिर 21 मार्च को गिरफ्तारी का क्या कारण आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस मामले में आम आदमी पार्टी को
या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? सिंघवी ने जवाब दिया नहीं। कोर्ट ने कहा ईडी जो कह रही है वह ये है कि भविष्य में आपको आरोपी बनाया जाएगा। केजरीवाल के वकील ने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का नाम मात्र बताने से प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है, यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो आप कंपनी के साथ साथ उत्तरदायी होंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कंपनी का समग्र प्रभारी है तो आप कंपनी के प्रति परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, फिर आपको ये दिखाना होगा ये आपकी जानकारी के बिना किया गया था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जिस गुब्बारे में छेद हो उसमें कितनी भी हवा भर ली जाए गुब्बारा फूलता नहीं, कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पूरी कांग्रेस कई दिनों तक हवा बनाते रही, आरजू मिन्नतें करते रहे, पार्टी में मिन्नतों का दौर चलता रहा, लेकिन सोनिया गांधी तक ने फोन कर कहा मैदान मत छोड़ो, लेकिन राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ मुकाबला करने को तैयार नहीं हुए। जैसे तैसे रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार हुए लेकिन अब वहां का मैदान भी पथरीला हो गया है और दिनेश प्रताप सिंह के साथ उनका मुकाबला है। चुनाव जीत पाना राहुल के लिए बेहद मुश्किल होगा। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से ज्यादा समझदार निकली, अपना चुनावी करियर हार से शुरू करने से उन्होंने साफ मना कर दिया और किनारे खड़ी हो गई। ऐसे में जब कोई नहीं मिला तो राहुल गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया, स्मृति ईरानी के सामने भेज दिया गया। ये वही केएल शर्मा हैं जिनके जिम्मे रायबरेली की देखभाल सोनिया गांधी ने सौंपी थी। रायबरेली में तो वे कुछ खास कर नहीं पाए इसलिए उन्हें अमेठी भेज दिया गया और अब कांग्रेस जितनी भी बातें कर ले राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर पड़ोस की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ना एक बड़ी नैतिक पराजय के समान है। कांग्रेस की जारी की गई सूची में राहुल गांधी के नाम का रायबरेली से ऐलान किया गया है और इससे पहले उनके अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अमेठी से वो 2019 तक सांसद थे लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से वे हार गए। इस दौरान केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़कर वे जीत गए। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी से मुकाबला न करने का निर्णय लिया। रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी सांसद थी लेकिन हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा चली गई, इसके बाद वो सीट खाली हो गई। पहले रायबरेली से प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ाए जाने की चर्चा थी लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। राहुल गांधी भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके नाम का ऐलान 2 मई को किया गया। वे 2019 में भी सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और हार गए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त हैं और राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते आए हैं। किशोरीलाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को देखकर ही उन्हें अमेठी से उतारा गया और यहां गांधी परिवार के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी को भी देखते रहे हैं। इसके अलावा वे पंजाब कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बिहार के प्रभारी भी रहे हैं। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ चाइना से धन लेकर दंगा भड़काने की साजिश का हिस्सा थे। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की कार्रवाई के दौरान स्पेशल सेल ने आरोप लगाया कि प्रबीर पुरकायस्थ देश को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में गवाहों के बयान को रखा गया है जिसमें बताया गया कि न्यूज क्लिक ने CAA विरोधी हिंसा के दौरान मुस्लिमों को हिंसा और दंगों में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए उन्हें आदेश दिया था। इसके लिए उन्हें CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों तक पैसे पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में नकदी दी गई थी। इन गवाहों ने बताया कि दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियारों को खरीदने के लिए न्यूज क्लिक के माध्यम से चाइना पैसों का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर में आतंकवादियों को भी पैसे पहुंचाए गए थे। इन गवाहों की पहचान छिपाई गई है। ये गवाह न्यूज क्लिक में काम करते थे। UAPA की धारा 41 के तहत इनकी पहचान को छिपाते हुए दिल्ली पुलिस ने इनके बयानों को चार्जशीट के माध्यम से कोर्ट में पेश किया। इन गवाहों ने बताया कि उन्हें धर्म विशेष के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए CAA विरोधी और शाहीन बाग के प्रदर्शनों में भेजा गया था। इसके लिए न्यूज क्लिक ने अपने कर्मचारियों को पैसा देकर बांटने के लिए कहा ताकि अराजकता और हिंसा को भड़काया जा सके। इस दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर 2 ग्रुप्स के बारे में बताया गया है जिसमें एक ग्रुप का इस्तेमाल CAA विरोधी प्रदर्शनों, किसानों और प्रदर्शनों और शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाया गया। दूसरा ग्रुप कश्मीर में हिंसा और तनाव भड़काने में लगा था। ये लोग न्यूज क्लिक में पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे और न्यूज क्लिक का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे।
जिन लोगों तक पैसे पहुंचाए गए उनमें से एक नाम शर्जिल इमाम का है। वो सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का मुख्य आरोपित है। उसने प्रबीरपुर कायस्थ से पैसे लिए और अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा। इस चार्जशीट में सभी गवाहों के बयान दर्ज हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी है। न्यूज क्लिक को विदेश से आए पैसों को तीस्ता सीतलवाड़ तक पहुंचाया गया। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि अमेरिका से मिले पैसों को तीस्ता सीतलवाड़ के पोर्टल सबरंग इंडिया को नया जीवन देने में खर्च किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जांच एजेंसियों के रडार पर होने के बावजूद तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा दागी विदेशी धन पाने का ये सबसे सुविधाजनक तरीका था। पुलिस ने कहा कि ईमेल गवाहों की जांच, वित्तीय उकसावे, संरक्षित गवाहों की गवाही के विश्लेषण से यह स्थापित हुआ कि तीस्ता सीतलवाड़, प्रबीरपुर कायस्थ और नेविल रॉय सिंघम एक खास तिकड़ी का हिस्सा थे। चार्जशीट के मुताबिक तीनों लोग प्रबीरपुर कायस्थ, तीस्ता सीतलवाड़ और नेविल रॉय सिंघम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए साथ में काम कर रहे थे। इसमें नेविल सिंघम की ओर से पैसा आता और सभी लोग मिलकर लेफ्ट विंग अतिवाद एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। न्यूज क्लिक पर चाइना के माध्यम से 80 करोड़ प्राप्त करने का आरोप है। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि न्यूज क्लिक ने भारत की संप्रभुता पर चूट करने और देश में नफरत फैलाने के लिए माहौल बनाने के लिए चाइना संगठनों से पैसे लिए और कुछ दिन पहले ही दिल्ली की कोर्ट ने प्रबीरपुर कायस्थ को 10 दिन की कस्टडी और बढ़ाकर आगे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के कट्टर ईमानदारों की सरकार ने पूरी बेईमानी से सैकड़ों नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी। पहले केजरीवाल ने सरकारी विभागों में एक्सपर्ट्स के नाम पर करीब 500 लोगों को नौकरी दी। पता चला कि इनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। तब एलजी ने उन सभी को तत्काल नौकरी से निकाल बाहर किया। अब ऐसा ही गोलमाल स्वाति मालीवाल ने महिला आयोग में रहते हुए किया। स्वाति मालीवाल ने अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के या अनुमति के 223 कर्मचारियों को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्त कर लिया। बड़ी बात यह कि दिल्ली महिला आयोग में कुल 40 ही पद स्वीकृत हैं और उसके पास अनुबंध के आधार पर भी किसी को नौकरी पर रखने की इजाजत नहीं। बावजूद इसके स्वाति मालीवाल ने 223 लोगों को नौकरी दी। जैसे ही एलजीवीके सक्सेना के पास इस मामले की रिपोर्ट पहुंची, उन्होंने बिना वक्त गंवाए सभी फर्जी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के खिलाफ इस बड़े एक्शन से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया वे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, जो वेतन सरकार का लेते थे पर काम आम आदमी पार्टी का करते थे। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 सितंबर 2016 को डीसीडब्ल्यू की ओर से जारी आदेश के लिए एलजी से मंजूरी नहीं ली गई थी। इसी आदेश के तहत दिल्ली महिला आयोग में 223 पद बनाए गए, जबकि दिल्ली महिला आयोग कानून 2013 के मुताबिक ऐसा करने से पहले एलजी की मंजूरी आवश्यक है। राजभवन की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस भी दर्ज किया था। 13 फरवरी 2017 को इन नियुक्तियों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 2 जून 2017 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने नियुक्तियों को अवैध बताया था। आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं और उसके पास अनुबंध पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए अनुमति ही ली गई। ये कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। राज्यसभा में जाने से पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि एलजी के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच तनातनी बढ़ सकती है। इससे पहले भी एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही उस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकारा था, जिसमें उसने मांग की थी कि जेल में बंद सभी नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी जाए। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा किया तो हर हत्यारा, दंगाई, घोटालेबाज, माफिया एक पार्टी बना लेगा और चुनाव प्रचार करने की इजाजत मांगेगा। इसके ठीक अगले ही दिन शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य है और चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए जमानत दी जाए। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इस याचिका को कल आने दीजिए, जज को फाइल पढ़ने दीजिए। यदि आपके कागजात आज दोपहर
12:30 बजे तक ठीक हो गए तो वे कल हमारे पास होंगे। बीते दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आबकारी नीति घोटाला को लेकर अलग अलग मामले दर्ज किए थे। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था, ये समय जमानत के लिए सही नहीं है। सीबीआई के साथ साथ ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में बदलाव के दौरान अनियमितता की गई ताकि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान बिना उचित प्राधिकार की मंजूरी के लाइसेंस शुल्क को माफ या घटाया गया और लाइसेंस की अवधि का विस्तार किया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लाभार्थियों ने गैरकानूनी लाभ आरोपी अधिकारियों को हस्तांतरित किए और अपने लेखा जोखा में फर्जी आंकड़े दर्ज किए ताकि पूरे प्रकरण को छिपाया जा सके। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को शराब घोटाला मामले में कथित भूमिका के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है, जो अभी तिहाड़ जेल में है और जमानत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल में बैठे केजरीवाल न सिर्फ अंदर से अपनी पार्टी चला रहे हैं बल्कि अंदर से ही वे दिल्ली कांग्रेस कमेटी को भी अपने इशारों पर नचा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस में जो भी बड़े फैसले किए गए हैं वो सब केजरीवाल के इशारों पर ही हुए हैं। हालांकि कहने को तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें दी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसने कांग्रेस को केवल 1 ही सीट दी है, बल्कि 2 सीटों के उम्मीदवार कन्हैया कुमार और उदित राज केजरीवाल ने तय ही किए। यही वजह है कि कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद पहले कन्हैया कुमार उदित राज केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आशीर्वाद लेने उनके घर गए और केजरीवाल की तारीफों के पुल बांध डाले। ये सारे आरोप हम नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ तो इस्तीफा दे चुके हैं और कुछ कतार में हैं। आम आदमी पार्टी से चुनावी दोस्ती कांग्रेस में कलह की वजह बन गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने बगावत करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेताओं ने आपसे कांग्रेस की दोस्ती पर तीखे सवाल पूछे और खुद को पार्टी से अलग कर लिया। नसीब और नीरज ने पूछा कि क्यों कांग्रेस ने एक ऐसे दल के साथ गठबंधन किया जो उनकी तीखी आलोचना करता रहा। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये गठबंधन मंजूर नहीं है। पूर्व विधायक नसीब सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जो आज हालत है वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से है, जिसने दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ और केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने कन्हैया कुमार और उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। नसीब सिंह ने कहा कि हम सीनियर नेता करीब 30 से 35 पूर्व विधायक जो दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार का हिस्सा रहे थे, आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे थे। हमने कहा कि एक पार्टी जिसने हमारे लिए खराब भाषा का इस्तेमाल किया, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात कही थी, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात कही, हम कैसे उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं? लेकिन हाईकमान ने हमारी बात ही नहीं सुनी और गठबंधन कर लिया। नसीब सिंह ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि गठबंधन एक ही सीट पर है क्योंकि 2 लोग कन्हैया कुमार और उदित राज हमारी विचारधारा से नहीं हैं। आज पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम ऐसे दल के साथ काम नहीं कर सकते जिसने झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर हमें खत्म किया। हम नहीं देख सकते हैं जो कुछ सोनिया गांधी के नेतृत्व छोड़ने के बाद पार्टी में चल रहा है। नसीब सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली कांग्रेस कमेटी चला रहे हैं। कन्हैया कुमार और उदित राज जो कांग्रेस की विचारधारा से नहीं जुड़े, वे राहुल जी और खड़गे जी की तस्वीरें नहीं लगा रहे, क्या सत्ता के लालच में कांग्रेस इतनी नीचे गिर जाएगी? नीरज बसोया ने भी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की आलोचना की और इस पूरी तरह से गलत बताया, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक बताया। बसोया ने कहा कि मैंने साफ तौर पर खड़गे को लेटर में लिखा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन पूरी तरह से गलत है, अव्यवहारिक और अप्राकृतिक है। संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। हम जनता को चेहरा नहीं दिखा सकते। 10 साल तक सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिल्लाते रहे कि अरविंद केजरीवाल धोखेबाज और भ्रष्ट हैं। हम कैसे अपने दुश्मन के साथ दोस्ती कर सकते हैं? इस गठबंधन को लेकर दी गई दलीलों को हम नहीं समझ पाते। यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता भला कैसे समझेगी? रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार और पार्टी को देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकार और पार्टी माना जा रहा है, तो इसके पीछे कारण भी है। आम आदमी पार्टी के पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, एन हरिहरन, राहुल मेहरा, बीएस जून, ऋषिकेश कुमार और मोहम्मद इरशाद जैसे वकीलों की लंबी लिस्ट है।
जो केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोर्ट में मोर्चा संभालती है। जाहिर है इन बड़े वकीलों को मोटी फीस आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को भरनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी और उसके कई नेताओं के राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में कई मामले चल रहे हैं, जिनमें से कोई भी मुकदमे के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा। इन आरोपों के खिलाफ उनका बचाव करने के लिए वकीलों की एक टीम काम कर रही है, जिसमें कानूनी बिरादरी में सबसे अधिक मांग करने वाले कुछ नाम भी शामिल हैं। एक दो नहीं बल्कि कई मामले एक साथ चल रहे हैं, जिनमें दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह फंसे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन फंसे हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में अमानतुल्ला खान का नाम है, कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी मामले में पूरी दिल्ली सरकार फंसी हुई है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे कई नेता हैं, एम्स मारपीट केस में सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला चल रहा है, 2012 में पीएम आवास के सामने दंगा मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय का नाम है। अदालतों के समक्ष पार्टी की मौजूदा लड़ाई में सिंह भी सबसे आगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व सिंघवी ही कर रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जेल में बंद सत्येंद्र जैन के लिए भी पेश हुए थे और जैन को अंतरिम चिकित्सा जमानत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सिंघवी ही थे जिन्होंने संजय सिंह के लिए बहस की और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनको जमानत दिलवाई। कपिल सिब्बल 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन के लिए पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जमानत देने से इनकार करने के बाद तिहाड़ जेल लौटे जैन पर शेल कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना करना पड़ा। जब ईडी ने पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के साथ स्थानांतरित करने की मांग की, तब सिब्बल पेश हुए और उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन के पक्ष में अपनी बात रखी। 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट का मामला सुर्खियों में आया था। 1986 बैच के नौकरशाह प्रकाश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत एक दर्जन विधायकों पर मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया। ये एन हरिहरन ही थे जिन्होंने केजरीवाल के लिए बहस की और उन्हें राहत दिलाई। हाल ही में हरिहरन ने सत्येंद्र जैन के लिए ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का विरोध किया और जोरदार सवाल उठाया कि इन आरोपों को उनके ग्राहक पर कैसे लगाया जा सकता है। वरिष्ठ आपराधिक वकील एन हरिहरन ने अतीत में सोमनाथ भारती और अन्य पदाधिकारियों का बचाव किया। वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने से पहले राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के स्थायी वकील के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। वह विभिन्न मंचों पर पार्टी और उसके नेताओं के लिए कई मामलों में पेश हुए हैं। शायद ही कोई पार्टी राजनेता हो जिसका प्रतिनिधित्व मेहरा ने न किया हो। संदेश खाली कांड में पकड़े गए शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा सरकारी अमला झोंक रखा है। पुलिस से लेकर अधिकारी तक सब के सब शाहजहां शेख के बचाव में उतर आए हैं। इसी वजह से सीबीआई को मामले की जांच करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई ने बंगाल पुलिस की शिकायत हाईकोर्ट से कर दी कि पुलिस उन्हें सहयोग करने के बजाय जांच में अड़ंगा लगा रही है। पुलिस की इस हरकत से नाराज हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में केंद्रीय जांच एजेंसी को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार अधिक पुलिस बल को भेजे। अदालत की निगरानी में हो रही जांच पर सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट पर हुई सुनवाई में शामिल वकीलों ने ये बात बताई। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने सीबीआई से शाहजहां शेख पर आरोप लगाने वाली महिलाओं के बीच विश्वास पैदा करने और महिला अधिकारियों को संदेश खाली भेजने के लिए भी कहा। सीबीआई ने अदालत के सामने उल्लेख किया कि वो जमीन हड़पने की शिकायतों की ठीक से जांच नहीं कर पा रही है क्योंकि राज्य के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी संदेश खाली मामले में एक पक्ष बनने की अनुमति दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ही घटनास्थल पर जांच टीम्स भेजी थीं। 10 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने फरवरी से संदेश खाली निवासियों द्वारा उठाए गए कृषि भूमि पर कब्जा करने को लेकर बलात्कार छेड़छाड़ तक सभी अपराधों की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया।
उसी दिन अदालत ने उत्तर 24 परगना जिला प्रशासन को 15 दिनों में संदेश खाली में सुरक्षा कैमरा और स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश दिया। अदालत ने जिला प्रशासन से अपने आदेश पर कार्रवाई करने और जून में मामले की दोबारा सुनवाई होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है और साथ ही ये भी कहा था कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बहाने हाईकोर्ट से किसी सुविधा की मांग न करे। संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 फरवरी को गिरफ्तार होने से पहले शाहजहां 55 दिन तक फरार था। उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला के सिलसिले में 5 जनवरी को उसके घर पर छापा मारने वाली ईडी की टीम पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।